दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो सर्दियों का सीज़न आ गया, अब गीजर की रिपेयरिंग के बारे में आपको बताएंगे। ये 6 लीटर का गीजर है और ये इसके सेंसर बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे। सेल भी नया डाल के देख लिए और इसकी सफाई भी करके देख ली अंदर पाइपों की, तो भी नहीं चल रहा। तो अब हम इसको खोल के आपको बताएंगे क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो बने रहिए आप वीडियो के साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। अभी हम इसको खोलते हैं। ये नोब हम धीरे से निकाल लेंगे बाहर, आराम से पेचकस की सहायता से। नोब हमने निकाल ली इसकी। अब हम इसके पूरे नट खोल के ये एक वायर भी टूटी हुई है। चलो देखते हैं ये वायर के कारण प्रॉब्लम आ रही है या कैसे। हम इसको डायरेक्ट करके देखते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम ठीक हो गई, क्योंकि हमारे गीजर के अंदर प्रॉब्लम क्या थी, वैसे तो प्रॉपरली चल रहा था इसका। ये जो सेल वाला डिब्बा होता है ये ख़राब हो गया था, हमारे मैकेनिक ने इसकी तारें उल्टी लगा दी थी, तो अभी वो सेट हो गई। तब ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, आप देख लीजिए चेक कर। इसके अंदर सेंसर होता है, इनलेट पाइप के अंदर सेंसर होता है, वो सेंसर जाके ऊपर जाता है पानी के दबाव से और ये यहाँ पे इस सेंसर से टकराता है, तो ये अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। तो चलो आपको इसको इंस्टॉल करके भी दिखाएंगे, बने रहिए वीडियो में। हमने एक पेज पहले से मार रखा है वहाँ, ये हो गया टंगे और विंचर। ये है इनलेट पाइप, इनलेट पाइप में पानी आता है, ये देखिए ठीक है, इनलेट पाइप आएगी इनलेट में। कोई मुश्किल काम नहीं है, पिंच दे। अब हम लगाएंगे आउटलेट पाइप। आउटलेट पाइप में हमने ये कस लिया है इसको अच्छी तरह, चाहिए इसको आराम से टाइट कर दें। ये है गैस पाइप जो ये हो गया इंस्टॉल गीजर। तो जैसे ही ये 20 ऑन करेंगे तो गीजर ये चल पड़ा गीजर, आवाज़ आ रही है ना टक टक की, तो गीजर की आवाज़ है। और हम जैसे ही बंद करेंगे तो बंद हो गया। ओके, धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट फॉल्ट के अंदर।